देखने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन का नाम सुने आप लोग? अच्छा, दो वर्ड आता है, एक न्यूरॉन एक नेफ्रॉन, दोनों ही अलग अलग चीज है ना। इससे न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको क्या बोलते हैं बताए? न्यूरॉन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है, ये कौन से सेल से बना हुआ? नर्व सेल से। अच्छा, ये नर्व सेल जो है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं और उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या काम होता है न्यूरॉन का। तो वैसे समझिए, जो नर्व सेल होता है उसका काम होता है सिग्नल को, मैसेज को ट्रांसफर करना, है ना। सिग्नल ट्रांसफर में वो हेल्प करता है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अभी? न्यूरॉन। न्यूरॉन बोले या नर्व सेल बोले, एक ही बात है। नर्व सेल का ही दूसरा नाम है बताइए? न्यूरॉन। जैसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी, तो ये हम लोग किसकी बात करते हैं? सेल की बात करते हैं। मतलब ये हो गया, हमारा जो शरीर है वो एक मतलब ढेर सारा सेल से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्व सेल आता है या न्यूरॉन आता है। मतलब ये मोटा मोटी, ये जो नर्व सेल है, ये सब आपस में मिलके, ढेर सारा नर्व सेल मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाता है। ये ढेर सारा न्यूरॉन मिलके हमारा क्या बनाता है बताइए? नर्वस सिस्टम बनाता है। क्योंकि नर्व सेल का ही दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। तो सबसे पहले ये है क्या नर्व सेल, न्यूरॉन ये है क्या, इसको समझते हैं। इट इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या बताइए? न्यूरॉन। मतलब वही बात, ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्व सेल से मिलके बना है। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन पार्ट। अभी आपको ये नहीं पता रिसेप्टर इफेक्टर है ना, वो आगे देखेंगे हम लोग। ये समझ लीजिए, कोई एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर सिग्नल के थ्रू हम लोग को कोई मैसेज भेजना है, उसमें हेल्प करता है हमारा न्यूरॉन। और जहां से भेजते हैं वहां बोलते हैं, वहां पे एक रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर वो सिग्नल को कैच करता है, फिर उसको नर्व सेल में उसका कंडक्शन करा के फिर दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं इफेक्टर, है ना। अब न्यूरॉन भी दो तीन तरह का होता है ना, सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन होता है, जस्ट आगे देखने वाले। चलिए अभी हम सिंपल में बात करते हैं। इट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। अच्छा, ये जो नर्व सेल होता है ये काफी लंबा सेल माना जाता है हमारे शरीर का, है ना। ऐसा माना, आप बोल सकते हैं नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत लंबा सेल होता है, ये इतना लंबा होता है कि इसका आपको लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इट्स लेंथ जो होता है, इसका लंबाई जो होता है ये वैरी करता रहता है और काफी लंबा सेल होता है। इसका हाइट अप टू 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तीसरा ये चीज हम लिखाते हैं, इट इज दी लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी हुज लेंथ कैन बी अप टू 100 सेंटीमीटर। मतलब कि
1 मीटर तक इसका लंबाई हो सकता है, ये नर्व सेल का। समझ में आया? अच्छा मेन है इसका स्ट्रक्चर, हम लोग को इसका क्या समझना है बताइए, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन है ना, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। हालांकि बहुत सारा चीज अभी हम लोग देखने वाले न्यूरॉन में, लेकिन आपके लेवल में आप समझिए न्यूरॉन का मेनली 3 पार्ट्स होता है। कितना पार्ट्स होता है बताइए? 3 पार्ट्स, एक डेंड्राइट, एक सेल बॉडी और तीसरा क्या, एक्सॉन। मेनली यही 3 चीज से मिल, 3 चीज मिलके न्यूरॉन बनता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज पाया जाता है न्यूरॉन में, लेकिन अगर सिर्फ पार्ट्स की बात करें, टुकड़े की बात करें, 3 टुकड़े में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। भी बोलते हैं देयर आर मेनली, मुख्यतः मेनली 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है? नकल आ जाएगा हमारा सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सॉन है ना। अभी डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू बताएंगे किस कौन से पार्ट को सेल बॉडी बोलते हैं, किसको डेंड्राइट बोलते हैं, किसको एक्सॉन बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। इसका हम लोग डायग्राम देखने वाले हैं, किसका बताइए? ये नर्व सेल का। ये इसका क्या बताइए? ये इसका होता है न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है? ये सब इसका सेट। चलिए ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका बताइए? ये किसका स्ट्रक्चर है? क्या दिख रहा है ना, ये जो फिगर बनाया है डायग्राम जो है, ये आपका न्यूरॉन का या नर्व सेल का, नर्व सेल है ना। इसके पास के बारे में ये जो दिख रहा है ना प्रोजेक्शन निकला हुआ, इसको इसी को बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं बताइए? डेंड्राइट्स। यही जो होता है ना, कोई भी सिग्नल को रिसीव यही करता है, उसके बाद साइटोन सेल बॉडी के थ्रू ये इधर धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको बोल दिए तो न्यूक्लियस है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं बताइए? सेल बॉडी। क्लियर है? उसके बाद ये जो रास्ता है, ये इस तरह दिख रहा है आपको है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्लियर है? अब ये बाहर कुछ दिख रहा है ना आपको सीथ टाइप का, इसको बोलते हैं मायलिन सीथ। क्या बोलते हैं? ये जो सीथ है इसको बोलते हैं मायलिन सीथ।
मायलिन शीट, ये भी है मायलिन शीट, ये भी है मायलिन शीट, उसी तरह इस साइड। अच्छा, दो मायलिन शीट के बीच में आपको एक छोटा सा स्पेस दिख रहा होगा, है ना, जैसे ये स्पेस है ना, ये जो स्पेस है दो मायलिन शीट के बीच में स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। क्लियर है? और ये सब जो होता है इस सबको बोलते थे साइनेटिक नोड, साइनेटिक नोड, है ना, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह होता है। तो सिग्नल का जो ट्रांसफर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले डेंड्राइट में आएगा, उसके बाद ये चलेगी कहां पे बताइए, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर कहां चलेगी बताइए, एक्सोप्लाज्म में, सॉरी एक्सोन में, किसमें, एक्सोन में, एक्सोन से फिर से आगे दूसरे एनदर डेंड्राइट में, एनदर डेंड्राइट, है ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है, तो फिर से इसी तरह फिर ट्रांसफर होते रहता है। यहां से सिग्नल आया, ऐसे रिसीव किया, फिर ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, फिर से दूसरा न्यूरॉन इसी तरह नीचे रहेगा, फिर से डेंड्राइट में, फिर से इस तरह से सिग्नल का ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से सिग्नल का बताइए ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, आप ध्यान में रखिए इसको। इसका और भी बहुत चीज होता है, मैं ज्यादा नहीं बताया हूं इसमें, सिंपल सब में, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, ये आपका मायलिन शीथ है, ये एक्सोन है, मायलिन शीथ के बीच में जो स्पेस है उसको नोड्स ऑफ रणवीर बोलते हैं, बस ये चीज है। और दो न्यूरॉन के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को हम देते हैं बताइए नाम देते हैं स्पेशल नाम, उसको बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्स। या अगर मसल्स और न्यूरॉन के बीच में स्पेस है उसको बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर है? ओके।